गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सब घर पर रहकर लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज मैं निधि जैन आपको क्लास 5 के व्याकरण के चैप्टर 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। बच्चों, ये पाठ पढ़ने से पहले आप सब सोच रहे होंगे भाषा क्या होता है ना? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात, मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात या दूसरों के मन के विचार समझते हैं। अब मैं ये पाठ आपको समझा रही हूँ तो मैं बोलने का साधन ले रही हूँ, है ना? बोलकर आपको ये पाठ बता रही हूँ। और यहाँ पर लेखक ने लिखकर किताब में आपको ये सब पाठ बताया है। तो भाषा के दो रूप हमारे सामने आए, मौखिक और लिखित। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप, और जब अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का हुआ लिखित रूप। बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इशारे से या संकेतों के माध्यम से भी तो अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मूक और बधिर लोग भी इशारों के द्वारा, मूक में लोग जो कि बोल नहीं सकते और बधिर में जो सुन नहीं सकते, वे भी इशारों से, फिंगर से इशारा करके, हथेलियों का यूज़ करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और घर पर भी आपने देखा होगा, कई बार छोटा बच्चा होता है वो भी अपनी माता से या घर के सदस्यों से इशारे से, जब वो बोल नहीं पाता है ना, तो वह बिना बोले ही इशारों से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। या आपने देखा होगा, चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही भी संकेतों या इशारों से ही वाहन को, आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनको चलने का, रुकने का संकेत देता है। लेकिन बच्चों, संकेतों की भाषा या कहें सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संकेतों के द्वारा सभी बात को समझाया नहीं जा सकता। अब मैं ये पाठ आपको समझा रही हूँ, है ना? अगर मैं आपको ये पाठ संकेतों के द्वारा समझाना चाहूँ तो ये आपको समझ नहीं आएगा। और विद्यालय में भी अगर मैं आपके सामने भी ये पाठ बिना बोले, बिना लिखे, सिर्फ संकेतों के द्वारा समझाना चाहूँ तो आपको समझ नहीं आएगा और ना ही मैं आपको समझा पाऊँगी। तो भाषा के दो रूप हुए, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। भाषा के बच्चों चार कौशल होते हैं, स्किल्स होती हैं, है ना? वो चार स्किल्स या चार कौशल कौन से हैं? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। बोलना मीन्स स्पीकिंग, सुनना लिसनिंग, लिखना राइटिंग एंड पढ़ना रीडिंग। उसके बाद बच्चों हमारा आता है बोली। बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्षेत्रीय रूप यानी कि जो के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और यह केवल मौखिक होती है ना। इसका ये रूप केवल मौखिक होता है, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता। जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, गढ़वाली, ये सब क्या हैं? बोलियाँ। अब हमें कहें कि बोली और भाषा में अंतर, तो बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट है क्या? बोली का केवल मौखिक रूप होता है, जबकि भाषा के हमने दो रूप पढ़े, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो इसीलिए बोली केवल बोलने में प्रयोग हो सकती है, जबकि भाषा को हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा मातृभाषा। मातृभाषा देखो नाम से ही क्लियर है, मातृ यानी कि माता और भाषा यानी कि लैंग्वेज। जो लैंग्वेज या जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से या अपने परिवार से सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद आता है हमारी भारत की भाषाएं। भारत का संविधान जो किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उस संविधान में
22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये 22 भाषाएं आपकी किताब में लिखी हुई हैं, यहाँ से आप इसको रीड करेंगे और लर्न करेंगे। उसके बाद आती है बच्चों हमारी राजभाषा। राजभाषा भी देखो नाम से क्लियर हो रहा है, राजभाषा यानी कि जो भाषा राजकीय कार्यालयों में या राजकीय कार्यों में यूज़ होती है, प्रयोग में लाई जाती है, वो उस देश की राजभाषा होती है। तो हमारे भारत देश में सभी राजकीय कार्यों में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में राजभाषा हमारी हिंदी ही प्रयोग होती है, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल। अब बच्चों हम अगर किसी दूसरे शहर में गए, दूसरे देश में गए, जैसे हम चीन में जाते हैं, चीनी भाषा तो हमें आती नहीं, जापान में गए तो जापानी भाषा हमें नहीं आती, तो हम कौन सी भाषा से हम उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, वो है हमारी इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा। तो बोला जाता है इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है, इसीलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी लिपि। भाषा को लिखने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो उसकी लिपि कही जाती है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है बच्चों? देवनागरी। देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। और कई भाषाएं दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू, ठीक है, हमारी जो हिंदी भाषा है वो बाएं से दाएं ओर यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र या वह विद्या है, विधा है, जिसके द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अब मैंने आपको ये चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेन किया, बताया है, तो मैंने व्याकरण संबंधी सभी नियमों का पालन किया है ना, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य, ये सब मैंने व्याकरण के अंतर्गत ही किए हैं। व्याकरण की परिभाषा अगर कहें हम तो क्या बनेगी? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये तीनों हम इसके पार्ट्स नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बच्चों हमारा हमने सीखा। जो कुछ मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया उसके यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इनको रीड आउट करेंगे और लर्न करेंगे। उसके बाद आती है बच्चों हमारी बैक एक्सरसाइज। पाठ के आधार पर ये बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।